1984 के कानपुर के अंदर जो कतलेआम होए उसकी लंबी लड़ाई लड़न तो बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने 2019 एक SIT बनवाई जिस दुबारा मुकदमे दर्ज हुए और केसों की खंगाल शुरू हुई। मैं धन्यवाद करदा देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का जिन्हों के अथक प्रयासों सदके वो जिहड़े केस तो खुले ही पर हुण जिहड़े लोग आराम नाल घर बैठे हुए सी उन्होंने फड़ फड़ के जेलां च आउणे शुरू होए। अज चार लोगों इस निराला नगर के अंदर जिथे एक परिवार के लोगों को कतलेआम कर दिता गया सीगा चार लोगों को अरेस्ट किया जिदे अंदर सैफुल्ला खान बप्पन बब्बन ते लंबू उफ नचिया नाम के चार लोग जिहड़े सी इन्हां नूं SIT ने गिरफ्तार किया हुणे और बाकी एक जिहड़ा फरार आ। आने वाले दिनों के अंदर कानपुर के अंदर जिहड़ा सिखां दा कतलेआम होया सी एक एक बंदे नूं लभ के तो SIT के हवाले करना और उन्होंने सजावं दवाना ये वास्ते असीं वचनबद्ध सां और इस तरह इस लड़ाई में लड़ते रहांगे। इस कामयाबी के वास्ते मैं सारे उन्होंने लोगों का धन्यवाद करदा जिन्होंने इस लड़ाई में साडे नाल लड़िया।